टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 11,000 रुपीस। सो हे दोस्तों, क्या आप भी चीप प्राइस पर एक अच्छा सा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? क्या आपको भी कम प्राइस पर अच्छे खासे 5G बैंड्स, अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और तो और भाई तगड़े कैमरास वगैरह भी चाहिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडियन ब्रांड की, जो कि दोस्तों काफी चीप प्राइस पर आपको 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर लावा का ब्लेज 5G अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है आता है। और दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंच की एक HD+ की IPS LCD पैनल, जहाँ पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और अप टू 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक VGA सेंसर आपको मिलेगा। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फ्रंट में आपको यहाँ पर LED फ्लैश भी मिल जाता है और आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे कैमरा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी, HDR, नाइट, पोर्ट्रेट, मैक्रो वगैरह। तो आपको यहाँ पर भर भर के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पर आउटपुट की बात है तो डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट और बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है, जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देता है और आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। अंततः की बात करें तो ये स्मार्टफोन 3.75 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आती। वैसे इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की अच्छे साइज की बैटरी भी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप दे देती है। साथ ही में ये फोन टाइप सी वाली पोर्ट के साथ में आता है और 10W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया। सो फोन का बैकअप भी अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और गारंटीड आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। सो नॉन चाइनीज के तौर पर ये एक काफी अच्छा 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं 10,999 रुपए। पर गाइस, अभी ये जो स्मार्टफोन है बिना किसी बैंक ऑफर्स के आपको मिल रहा है 10,499 रुपए की प्राइस पर। और अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली अच्छे प्रोसेसर के साथ में आता है, अच्छी क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन दी गई है और तो भाई इंडियन ब्रांड की तरफ से है। सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फोन की। हालांकि दोस्तों, ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला फास्टेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पर आपको 12 5G बैंड्स भी मिलते हैं। और ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G। आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, पर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी काफी यूनिक है। वहीं पर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल मिलती है। साथ ही में 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है और 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और ये एक लो लाइट सेंसर है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, फोटोज वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर। और इस बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है, जो कि आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि फोन के अंदर eMMC वाली स्टोरेज लगी हुई है, जिससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड आता है। बट फिर भी इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर यहाँ पर आपको मिलता है XOS 10.6। तो थोड़ी सी और बेटर स्पेसिफिकेशन और एक अच्छा खासा ट्रू 5G फोन है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो नॉर्मली 4 और 64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए।
पर फाइनली दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के आगे, हालांकि ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये फोन भी काफी अच्छा है और स्मार्टफोन का नाम है पोको M4 5G। डिजाइन वगैरह के मामले में काफी यूनिक फोन है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ फोन है बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 3 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन की अच्छी है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात कर लेते हैं तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहां पर ठीक ठाक है, इमेज आउटपुट भी आपको यहां पर ठीक ठाक मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट, जो कि 7nm की फैब्रिकेशन पर आता है और यहाँ पर आपको Antutu स्कोर लगभग 3.25 लाख के आसपास मिलते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस तो अच्छी है। साथ ही साथ ये फोन आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिलता है। सो फोन की परफॉर्मेंस इस बजट के अंदर काफी अच्छी है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट यहां पर भी आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 12 के MIUI 13 पर आता है, तो थोड़े मोटे बग्स वगैरह आपको यहां पर मिलते हैं, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर अच्छा है। और हां दोस्तों ये अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे भाई तो 11,000 रुपये के अंदर आने वाला ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फ़ोन की। तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से ही आने वाला इन्फिनिक्स का HOT 30 5G। ये फ़ोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि बैक साइड में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई जो कि फ़ोन के लुक को और ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। हालांकि ये फोन 215 ग्राम वेट के साथ में आता है, जिस वजह से स्मार्टफोन थोड़ा सा बल्की हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.78 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जो कि पैंडा ग्लास के सपोर्ट के साथ में आती है, और 580 निट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज़ तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के बड़े बड़े कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.6 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी डिसेंट टाइप की देखने को मिलती है, हालांकि अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो आपको इमेज क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। रही बात वीडियो आउटपुट की तो आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो फोन के अंदर लगा हुआ है 7nm बेस MediaTek Dimensity 6020 का चिपसेट। दोस्तों ये जो चिपसेट है ये आपको लगभग 3,70,000 के आसपास Antutu स्कोर निकाल कर देता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवर परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलता है, और साथ ही फोन 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है, हालांकि चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली काफी अच्छा निकाल कर देता है। हाँ तो आप बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, साथ ही साथ ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहां पर आपको मिलता है XOS 13। रही बात स्मार्टफोन की 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और देखा जाएगा इस तो काफी अच्छा फ्यूचरिस्टिक 5G स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो नॉर्मली 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,499 रुपये, पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर सेल भी देखने को मिल रही है, तो अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 11,700 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगले फ़ोन की। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है अभी रिसेंटली लॉन्च रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 12 5G।
बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है। हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। और इन सभी के अलावा फोन सिर्फ 199 ग्राम्स का है। सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर सुपर्ब मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 550 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमराज की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमराज मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी यहाँ पर अच्छी आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो हीटिंग भी काफी कम मिलती है। साथ ही ये बैटरी भी काफी कम कंज्यूम करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 4,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो इजीली आप यहां पर 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं अगर आप यहां पर COD वगैरह खेलते हैं, और वो भी हाई सेटिंग पर। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहां पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5 वोट का चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर अच्छा है। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। और तो और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको MIUI 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम 5G बैंड्स की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैकेज है रेडमी की तरफ से, और अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन को देख सकते हैं। अगर प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपये। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 11,000 रुपये कीमत पर। आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।